हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू सी जी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइनल पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन द बेल सो इट इज फ्रॉम योर बुक माई इंग्लिश गार्डन क्लास सेवेंथ यूनिट फोर लर्निंग फ्रॉम लाइफ सेक्शन सी द बेल सो हमने लास्ट टू वीडियोज में इसके एक्सप्लेनेशन का पार्ट वन पार्ट टू देखे नाउ दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कम्प्लीट द लेसन अब हम इस लेसन को कम्प्लीट करेंगे इस वीडियो में एंड डू यू रिम्बर कि इसमें एक बैल के बारे में बताया जा रहा है द okay? बेल ओके द बैल मीन्स एक टैंपल की बैल है जिसे टच करना जो लोअर कास्ट पीपल है उनको अलाउड नहीं है एंड स्पेशली गर्ल्स जो गर्ल्स हैं जो वूमेन है उनको एक रिचुअल फॉलो करना होता है टेम्पल के अंदर के पहले की जो पूरी वॉल है टेम्पल की उसका सर्कल करना होता है सो इन दिस वे देव टू फेस सम डिफिकल्टी कुछ ऐसा उनके साथ होता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है वो सैड है उन्हें ये करना पड़ता है क्योंकि ये रिचुअल है कस्टम है ट्रेडिशन है और कुछ ट्रेडिशंस तो फॉलो करने ही होते हैं क्योंकि कोई उन्हें ब्रेक नहीं करता है सो so, एक जो गर्ल है ठीक है उस एक फैमिली की जो कि लोअर कास्ट फैमिली है और वो चाहती है कि अगर जो बाकी गर्ल्स हैं या बाकी जो पृष्ठ है जो मंदिर का पृष्ठ है पुजारी है अगर उसकी बेटी मंदिर की बैल को बजा सकती है तो मैं क्यों नहीं बजा सकती है वो भी तो हमारी तरह हैं बैल को रिंग करे तो ये दिखाता है कि एक सर्वेंट है उसे मंदिर अकेले जाने नहीं दिया जाता एक सर्वेंट के साथ ही उसे हमेशा टेम्पल जाना पड़ता है ठीक है या किसी ना किसी फैमिली मेंबर के साथ तो ये कैलू जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं वो जो फैमिली का उसका सर्वेंट है उसके साथ वो टेंपल जा रही है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो उसके साथ जाए ठीक है कि कहीं भी उसे लगता है कि उसे अकेले जाने दिया जाए वो स्कूल जा सकती है अकेले और बेकरी शॉप शॉप्स में जाती है शॉपिंग करने सो इन दिस वे वो करती है अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट बट सब इग्नोर करते हैं उसकी बातों को और वो इस समय वो बोलती है कि इस समय तो मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं करूँगी ही और आज मैं टेम्पल की बैल को रिंग करने ही वाली हूँ तो इस तरीके का इसमें डिस्कशन है इस जो आपकी स्टोरी है द बैल में जो कि गीता कृष्ण कुट्टे ने लिखा है ठीक है अब ना उसने जो मंदिर के ईस्टर्न फसाड मतलब जो ईस्टर्न गेट के बारे में डिस्क्राइब किया है जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और फुटबॉल का गेम एंजॉय करती है वो कोर्ट यार्ड में जो मंदिर के बिसाइड में है सो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई अब वो किस तरीके से अपने मिशन को अचीव कर पाती है कि उसे बैल को रिंग करना है और क्या करती है वो इसके लिए ठीक है वो हम इस वीडियो में देखेंगे ओके सो so, हमने लास्ट वीडियो में अपना कंप्लीट uh, किया था ईस्टर्न एंड द रॉक बिनीथ ओके ये जो आपका पैराग्राफ है द रॉक बनीथ हर फीट वॉज कि ये उस टाइम की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है कि जब वो टेम्पल के अंदर है तो उसे कैसा फील हो रहा था ठीक है एक तो पहले तो उसे क्रॉस करना पड़ रहा था ठीक है मंदिर के रोड मंदिर पहुंचने के लिए जब वो रोड क्रॉस की थी तो वहाँ के जो स्टोन्स है वो उसको चुभ रहे थे वो जो ग्रेवल स्टोन्स थे वो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे बट अब जो आगे टेम्पल के स्टोन है वो उसके लिए बहुत ही सूथिंग या कूल फील करवाते हैं तो इस तरीके का अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इनसाइड द टेम्पल यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे ठीक है सो हम बिफोर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पैराग्राफ हम लास्ट पैराग्राफ से देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था सो द रॉक पनीथ हर फीट वॉज Turning cool, she remembered that the hour of lamp lighting was near and hurried back through the shadow-filled hall. Beyond the tall golden flagpole, tiny pinpoints of light pierced the warm darkness of the inner sanctuary. kalunair, muttering angrily, was close upon her heels, rounding the wall. Now.

तो अब उसे फील हुआ कि अब जल्दी से मुझे जाना चाहिए और जो कैलू नायर है वो तो गुस्से में मरमर कर रहा है मटरिंग कर रहा है ठीक है अब उसने केलू नायर को तो पीछे छोड़ दिया है और फिर भी वो पीछा करते जा रहा है उसका वो जल्दी से एकदम राउंड करती है वॉल का और बिल्कुल भी ना चाहते हुए भी फटाफट जल्दी से सर्कल कंप्लीट करती है और वो चली जाती है और जो स्पार्कलिंग को देखती है वो लैम्प लाइटिंग जो होती है उसको नाउ इनसाइड द टेम्पल ओके नाउ यस

कूल स्टोन ऑफ इनर कोर्टयार्ड जो अंदर अंदर का जो लॉबी कोर्टयार्ड है मंदिर का जिससे उसे कैसा फील होता है रिविलिंग वो इंजॉय करती है उसके स्मूथ फील को स्टोन के मंदिर के अंदर के जो स्टोन है, है न, फ्लोर के, उन सब चीजों का जिसको जो फील करिस्ट मीन होता है जो लविंग ट होता है लविंग एंड सॉफ्ट टच ओके शी बोर्ड अपर फैंक ग्रीटिंग टू द लिटिल डॉल लाइक पार्वती क्रॉस्ट हर आर्म्स एंड टस्ट हर ईयर्स Before the dark, almost invisible Ganesha and came hurriedly ab wo kya karti hai she bowed अपॉन द्राउडेडरी करती है she board a per -functory, per -functory greeting. इसका मतलब होता है कि वो ऐसे बिल्कुल इस तरीके से वो ग्रीटिंग शो करती है जैसे हम भगवान के सामने जाके नमस्कार करते हैं ना तो अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करते हुए कान को पकड़ के ठीक है ना इस तरीके से वो झुकती है डॉल के सामान जो पार्वती जी हैं और क्रॉस्ड करते हुए और टच करती है एंड टचड हर ईयर्स अपने ईयर को टच करते हुए और ऑलमोस्ट इनविजिबल गणेशा तो गणेशा कैसे होते हैं छोटे से होते हैं वो पार्वती जी जब डॉल लाइक है तो गणेशा तो उनके बेटे हैं वो तो और भी छोटे से होते हैं ठीक है एंड जल्दी से वो इस तरीके से ग्रीटिंग्स देती है पार्वती जी को गणेशा को एंड केम हरीडली और जल्दी से वापस आ जाती है जो भीड़ वाली जो क्राउडेड मेन सेंक्चुरी थी जहाँ पे पूरी जो वोमेन थी और पूरा क्राउड था भीड़ था अ फैमिलियर सेंट ऑफ हॉट ऑयल एंड फ्लावर ऑफ विभूति एंड वेट क्लोज वेलकम्ड हर अब एक जो फैमिलियर जानी पहचानी से अच्छी सी सेंट की और हॉट ऑयल की जो खुशबू आ रही होती है और विभूति होती है आपको मैं पता ही होगा जो मंदिर में विभूति यूज करते हैं हम ठीक है ना तो उसकी जो खुशबू होती है उसका वो क्या करती है उसका वेलकम करती है उस गर्ल का नाउ नेक्स्ट इज द वुमेन ऑफ नामोदगिरी हाउस होल्ड स्टूड इन फ्रंट इन अ टाइट इनविजिबल सर्कल दैट नो वन एल्स मस्ट टच जो वुमेन थी है ना नामबुदगिरी मतलब होता है जो वहां के जो ब्राह्मण वुमेन थी केरला की जो ब्राह्मण वुमेन है उन्हें हम क्या बोलते हैं नामोदगिरी ओके द क्लास ऑफ हिंदू ब्राह्मण इन केरला इज कॉल्ड नामगिरी तो जो वहाँ की नामगिरी हाउस होल्ड वुमेन थी वो सामने खड़ी हुई रहती है उनके जो टाइट इन अ टाइट इन विजिबल सर्कल दैट नो वन एल्स मस्ट टच इस तरीके से एकदम इन विजिबल सा टाइट सा सर्कल बनाए हुए कि कोई भी बिल्कुल टच नहीं कर सकता उनकी आँखें देअर आइज क्लोज उनकी आइज क्लोज रहती है क्लचिंग यस क्लचिंग देयर थैच अम्ब्रेलास दैट ऑप्स विजन और जो वो क्लच की हुई रहती है क्या चीज पकड़ी हुई रहती है थैच अम्ब्रेलास जो उनके रूफ मतलब कवर कैसा होता है उनका वो एक अम्ब्रेला होता है जो स्टिक्स वगैरह से बना हुआ था उस अम्ब्रेला को रखे हुए इस तरीके से वो खड़ी होती है एंड दैट ऑप्स्कर ऑप्सकर्ड मतलब होता है कि जिसको देखने में एकदम मुश्किल हो डिफिकल्ट होता है एवरी वंस विजन कि बिल्कुल सभी लोगों का विजन क्या होता है बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इस तरीके से होता है सर्कल बना हुआ एकदम टाइटली क्लोज और अम्ब्रेला से वो कवर हुई रहती है इस तरीके से उनके ऊपर अम्ब्रेला रहता है देअर लिप्स मूविंग इन प्रेयर और उनके जो लिप्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं मत, मतलब वो प्रेयर गा रही होती है शी एजेड हर वे टूवर्ड्स दम और वो केयरफुली शी एजेड मतलब जो गर्ल होती है वो अपना रास्ता केयरफुली बनाती है उनकी तरफ जाने के लिए इग्नोरिंग कैलू नायर शॉक्ट विस्पर्ट ऑफ प्रोटेस्ट और इग्नोर करती है जो कैलू नायर के जो विस्पर्स होते हैं विस्पर्स मतलब फुसफुसाते रहता है एकदम गुस्सा करते रहता है मच जाओ है ना इस तरीके से ऑलमोस्ट बम्पिंग इन वन ऑफ द रेडिक्यूल अम्ब्रेलास और वो इस तरीके से ऐसे लगता है कि वो बम्प कर रहा है ना बम्पिंग कर रही है एंटर कर रही है एक रेडिक्यू एक कोई किसी भी जो इतने ये जो अम्ब्रेला वाला जो ये विजन है बिल्कुल रेडिक्यूल होता है उसे मजाकिया लगता है क्योंकि ये सब जो रिचुअल्स होते हैं गर्ल्स के लिए जो वहां बनाए गए होते हैं वुमेन के लिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है ठीक है शीशो अब वो देखती है कि थंगम स्टैंडिंग नियर द स्टेप्स थंगम सीढ़ियों के पास खड़ी हुई है स्टेप्स के पास लुकिंग रिमोट एंड डिवोशन और वो दूर देख रही है और बिल्कुल डिवोशन में वो क्या है एकदम रैप्ड है मगन है इंटरेस्टेड है ठीक है तो इस तरीके से वो भक्ति में लीन है थंगम तो वो देखती है द रिदम ऑफ द एडक्का वॉज द रिदम ऑफ द एडक्का वॉज माउंटिंग क्रेजली जो एडक्का मीन्स होता है जो आपका स्मॉल अ स्मॉल टू साइडेड ड्रम यूज इन टेम्पल म्यूजिक इन केरला जो एक स्मॉल टू साइडेड ड्रम होता है जिसे बजाया जाता है टेम्पल में म्यूजिक के लिए तो वो बिल्कुल भी एकदम मस्त से क्रेजली बज रहा था एज अ डोर वॉज फ्लंग ओपन जैसे ही जो डोर था वो एकदम केयरलेसली एकदम झटके से ओपन हुआ blinked, ना शी शिब्लिंग्ड एट द सडन विज़न ऑफ गोल्ड वो बिल्कुल भी उसकी आंखें कैसे हो गई ब्लिंक हो गई एकदम सडन अचानक से जो वो गोल्ड का विजन देखी सोने का जो विज़न के अंदर जो टेम्पल है उसमें जो गॉड है उनका जो सुनहरा विज़न उसको देख के उसकी आंखें क्या हुई ब्लिंक हुई बिफोर शी कुड रिग्रेट हर डिसीजन और गो बैक अपॉन इट इसके पहले कि वो अपने डिसीजन पर रिग्रेट करती ठीक है प्रायश्चित करती है ना और वापस चली जाए उसने क्या किया शी एल्बोड हरसेल्फ क्विकली थ्रू द अनटचेबल सर्कल ऑफ नंबूदगिरी वुमेन उसने अपने आप को कोहनी से धक्का देते हुए इस तरीके से अपना रास्ता बनाते हुए जल्दी से ही ठीक है क्विकली थ्रू द और रास्ता बनाते हुए जो अनटचेबल वुमेन था नंबूदगिरी वुमेन तो वो अंदर क्या करती गई जाते गए नियरली फॉलिंग ऑन स्लिपरी स्टेप्स जो कि इस तरीके से था कि वो बिल्कुल भी स्लिपरी में जो स्टेप्स उसमें क्या हो रहा है वो फॉल हो रही है गिर रही, गिर है रहा इस तरीके से ये पूरी भीड़ थी पूरा रश था और उसने अपना रास्ता बना के एंटर किया द साइट ऑफ द बिग बैल अबोव हर जो साइट था बिग बैल का है ना दृश्य था एक बड़ी सी बैल था उसके ऊपर टचड उसे ट हर अ हैडी एक्साइटमेंट मतलब उसे बहुत बड़े एक एक्साइटमेंट के साथ उसे क्या कर रहा था वो टच कर रहा था कि वो जो बिग बेल का साइड था विजन था उसे बहुत ही वो एकदम एक्साइटमेंट फील करा रहा था डिस्टिंग केलू नायर फ्रेंटिकली विस्पर्ड थ्रेड्स वो क्या बिल्कुल भी सुन पा रही थी अलग कर पा रही थी कि केलू नायर का जो एकदम जल्दी जल्दी फ्रेंटिकली मतलब हरीडली वो जो विस्परिंग की आवाज़ कर रहा था थ्रेट धमकियाँ दे रहा था उसे कि ऐसा मत करो मत जाओ है ना बट शी reached अप परंतु वो पहुँच गई रैंग द बैल उसने बैल बजाई विथ वन रिसाउंडिंग क्लैंग एंड वॉज डाउन द स्टेप्स बिफोर द before शी before realized वॉट वॉज हैपनिंग तो क्या हुआ उसने बिल्कुल कैली नैलू ना, नायर की जो विस्परिंग थी कि जल्दल वो जो भी धमकियाँ दे रहा था बड़बड़ा रहा था उसे इग्नोर मारी वहाँ पहुँच गई बैल बजाई और एकदम रिसाउंडिंग क्लैंग के साथ क्लैंग मीन्स जो मेटल की एकदम जोरों की लाउड साउंड होता है उसे हम क्लैंग बोलते हैं तो इस तरीके से उसने बैल मंदिर का घंटा बजाया एंड वॉज डाउन द स्टेप्स और स्टेप्स से नीचे आ गई बिफोर ही रियलाइज बिफोर रियलाइज ओके बिफोर इसके पहले की वो रियलाइज कर पाता कि what was happening, क्या हो रहा था तो ऐसा नाउ डिमली शी वॉज अवेयर ऑफ डार्क लुक्स एंड सब मस ठीक है okay. Now, Dimly, अब क्या हुआ डिम्ली मीन जो बिल्कुल भी जो फेंटेड लाइट होती है डिम है ना तो so जो डार्क लुक्स थे मतलब लोगों के जो गुस्से वाले चेहरे थे उससे तो वो जान ही गई थी कि वो अवेयर थी कि ये सब उसे देखना पड़ेगा सब ड्यूट मतलब एकदम जो लेस एनर्जेटिक जो मरमर्स की आवाज़ आ रही थी है ना कि धीरे धीरे जो लोग है बड़बड़ाना शुरू कर दिए थे स्विंग हार उसका पीछा कर रहे थे एस परमिटेड कैलू नायर और उसने क्या किया केलू नायर को परमिट किया मतलब वो चाहती थी कि कैलू नायर जल्दी से उसे क्या करे वहाँ से खींच के दूर ले जाए तो उसने उसे अलाउ किया कि वो यहाँ से चली जाए रिटर्निंग होम फिर के घर पहुँचते समय इन द गैदरिंग शेडो

चला रहा था गुस्सा कर रहा था एंड मोर वेनमेंट ओके वेनमेंट मीन्स होता है फोर्सली फोर्सफुल ओके बिल्कुल भी एकदम चिल्लाते हुए गुस्सा करते हुए जबरदस्ती उसे नाउ वार्निंग्स ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर्स टेरिबल रेथ वर बिकमिंग रियल और जो ग्रेट ग्रैंड मदर ने उसको क्या दी थी चेतावनी दी थी कि मंदिर का घंटा नहीं बजाना है नहीं तो ये होगा ये होगा तो वो जो टेरिबल रेथ था जो उनका डरावना गुस्सा था बहुत जो लार्ज एंगर था रेथ मीन्स लार्ज एंगर वो एक्चुअल में क्या बन रहा था रियल बन रहा था क्योंकि सब जैसा जैसा उसे बोला गया था नहीं करना है वो वही काम कर रही थी तो वो सब कुछ अब उसे रियल होता हुआ दिखाई दे रहा था उसे डांट पड़ रही थी शी पे नो हीड एट ऑल उसने परंतु कोई ध्यान नहीं दिया नो अटेंशन नो हीड एट ऑल फॉर शी फेल्ट वंडरसली लाइट हर्टेड और वो कैसा फील कर रही थी एकदम अमेजिंगली वंडरफुल है ना एकदम लाइट हर्टेड एक्साइटिंगली हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी हैप्पी थी ए क्लाइम्ब ओवर द स्टोन स्टाइल टू एंटर द हाउस जैसे ही वो क्या करी ऊपर चढ़ी जो स्टोन स्टाइल थी जो पत्थरों की जो सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए स्टाइल मीन्स है ना अपने हाउस में एंटर करने के लिए देन वॉट हैपन She turned for a last look at temple. अब क्या हुआ जैसे ही वो घर की सीढ़ों की तरफ ऊपर चढ़ रही थी घर में एंटर करने के लिए वो टर्न हुई मंदिर को लास्ट लुक ठीक है वो देखना चाह रही थी एकदम एक मंदिर के एक आखिरी झलक के लिए वो टर्न हुई इट ग्लीम्ड बैक एट हर कॉन्स्पिरीटेरियो कॉन्स्पिरीटोरियली ब्लेसिंग हर हैपीनेस अब एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ एक जो शाइनिंग थी वो वापस उसको शाइनिंग दिखाई दी इस ऐसे उसे लग रहा था कि उस पर वो शाइनिंग क्या कह रही है उसको सीक्रेटली जो खुशियों का आशीर्वाद है वो दे रही है कॉन्स्पेरिटोरियली ब्लेसिंग हर हैप्पीनेस मतलब सीक्रेटली उसको ब्लेसिंग दे रही है ठीक है उसको हैप्पीनेस दे रही है इस तरीके से वो मंदिर का लुक उसे ऐसे फील कराया जो उसकी शाइन थी उसका जो शाइनिंग लुक था शी वॉज इन डायर डिसग्रेस देअ टाइट लिप्ड साइलेंस वॉज लाउडर देन स्पीच एज वॉज द कंस्पिक्यूस अपसेंस ऑफ हर फेवरेट टाइनी पापड़म्स एट डिनर अब बिल्कुल भी वो बहुत ही ज़्यादा डायर मतलब होता है एकदम टेरिबल या बहुत ही सीरियस शर्मिंदगी में थी डायर डिजग्रेस में थी देअ टाइट लिप्ड साइलेंस जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके जो टाइट लिप्ड टाइट लिप्ड मतलब की बिल्कुल होठ बंधे हुए थे सिले हुए थे वो कुछ नहीं कह रहे थे इतने शांत थे कि वो बोलने से भी ज़्यादा असरदार थे है ना जैसे बोलते हैं ना साइलेंस साइलेंस ज़्यादा प्रभावशाली होती है एज कंपेयर टू हम बोलें अगर जब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं किसी को इसका मतलब और भी ज़्यादा एंग्री है ठीक है एस वॉज द कंस्पिक्यूएस अपसेंस जो कंसपी कंस्पिक्यूएस मतलब होता है इजली नोटिस्ड और सीन कि वो देख पा रही थी ये इजिली नोटिस हो रहा था है ना कि उनके साइलेंस था एक तो और ये एकदम इजिली पता चल रहा था कि जो उसका फेवरेट पापड़ होता है पापड़म होता है जो डिनर में उसको सर्व किया जा गया था मतलब जाना था बट वो नहीं सर वो एबसेंस था उसका ठीक है अब यहाँ पर हुआ क्या द पपड़म्स यस जो द पपड़म्स स्पेशली ऑर्डर्ड फॉर हर एवरी हॉलीडे ठीक है जो पपड़म्स होते थे पापड़ होते थे उसके लिए स्पेशली ऑर्डर किए जाते थे हर हॉलीडेज पे एंड सर्वड रेगुलरली एट एवरी मील और बिल्कुल उसके हर खाने के बाद कि उसके लंच के बाद फिर डिनर के बाद और उसके हर समय उसको उसके हर रेगुलर मील पे सर्व किए जाते थे पापड़ बट इस टाइम है ना क्योंकि उसने मंदिर की बैल बजाई थी उसे पापड़ सर्व नहीं किया गया ओके okay, तो ये वो नोटिस कर पा रही थी कंस्पिक्यूअस नोटिसेबल इजिली डिड नॉट रियली केयर परंतु उसे कोई केयर नहीं की बिल्कुल उसे इग्नोर मार दिया क्योंकि वो बहुत खुश थी फॉर द साइलेंस सीम्ड टू बी फिल्ड विथ अ थाउजेंड वॉइसेस जो साइलेंस था सीम्ड टू बी फिल्ड ऐसा दिखाई दे रहा था कि वो भरा हुआ है थाउजेंड वॉइस सिंगिंग विद इन हर कि बहुत सारी हजारों जो वॉइस है आवाज़ें हैं वो उसके अंदर गा रही हैं एंड शी वॉज क्वाइट क्वाइट श्योर दैट द गोल्डन गॉड विद इन द टेम्पल और वो बिल्कुल भी एकदम अच्छे से पक्का श्योर थी कि जो गोल्डन गॉड है टेम्पल में जो बैठे हुए हैं जिनकी आँखों में इन होज आइज ऑल आर इक्वल जिनकी आँखों के सामने सारे इक्वल है कोई बड़ा छोटा नहीं है। हैड एक्सेप्टेड हर जेस्चर विथ लव वो उसका जो जेस्चर था विथ लव के साथ मतलब जेस्चर मतलब जो उसने मंदिर की बैल बजा दी थी तो ये जो उसने जेस्चर शो किया था भगवान के लिए उसे उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है और इस बात के लिए वो एकदम श्योर थी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ओके एंड वेरी वट शुड से लर्निंग है ना लर्निंग ए स्टोरी है जिससे हमें एक लेसन लर्न करने मिला है कि, कि किस तरीके से उसने वो जो कस्टम था ट्रेडिशन था उसे ब्रेक किया और उसने ये प्रूव कर दिया कि ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड ठीक है अब उसकी फैमिली को बाद में ज़रूर रियलाइज हुआ होगा समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या सही है और क्या गलत है सो दिस इज अबाउट दिस स्टोरी ओके नाउ यस तो आपको ये तो मीनिंग्स तो पता ही है ओके okay? gaven meant forceful conspiratorially as she as if sharing a secret conspicuous easily noticed the class of hindu brahmins in kerala it is known as the class of hindu nambudgiri a small two-sided sided drum used in temple music in kerala it is Adakka. okay so now understanding the text abham कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ओके चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है फर्स्ट इज शी गॉडेड द एडल्ट सेंग दैट दे फर्स्ट इज प्लेड हाइड एंड सिक एवरी आफ्टरनून बी वर ऑल इक्वल इन द आईज़ ऑफ गॉड सी नेवर टू हर सीरियसली सो हियर द आंसर इज बी ओके were all equal in the eyes of God. Okay. Now next is कि मतलब उसने जो बड़े हैं उनको किस तरीके से प्रवोक किया ओके okay? तो उसने क्या क्या के बड़ों को उकसाया कि सारे ही भगवान की आंखों के सामने सारे क्या होते हैं उसकी नजरों में सारे बराबर हैं. शी डिड नॉट लाइक उसे क्या नहीं पसंद था बातेंगे इन द मेक शिफ्ट बाथरूम गोइंग टू द टेम्पल बाथिंग इन द ट्क सो आंसर इज थर्ड उसे टैंक में बाथिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ओके थर्ड इज शी वॉज नॉट अलाउड टू गो अलोन टू अब उसे कहाँ अकेले जाना अलाउड नहीं था टेम्पल उसे टेम्पल अकेले जाना अलाउड नहीं था ओके ना फोर्थ इज शी ऑलवेज रैन डाउन द रोड बिकॉज अब वो हमेशा बिल्कुल रोड में जल्दी से रैन डाउन कर लेती थी वाई बिकॉज द ग्रेवल हर्ट हर बेयर फीट क्योंकि जो वहाँ के पत्थर होते थे उसके वो बेयर फीट को हर्ट करते थे शी वॉन्टेड टू लीव कैलू नायर बिहड ये तो गलत ऑप्शन है ये भी रॉन्ग ऑप्शन है आपका फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन ओके नाउ फिफ्थ इज डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स कैलू नायर कुड नॉट कीप हर ठीक है अपने इतनी भी कोशिशों के बाद भी कैलू नायर उसे दूर नहीं रख सका किस चीज़ से दूर नहीं रख सका

so the answer is the girl had to do ritual circling of the outer walls of the temple कि girl को जो outer walls होती थी temple के उसकी circling circle सर्कल करना होता था okay और किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो नामदगरी women थी वहां पर कैसे अपने tight लिप्स के साथ और बिल्कुल अनटचेबल सर्कल बनाए हुए अपने अम्ब्रेलास के साथ खड़ी हुई थी आपको याद होगा इस स्टोरी में ओके सो सेकंड इज व्हाट वाज हैपनिंग इन द कोर्ट यार्ड बिसाइड द सेंचुरी ऑफ कृष्णा जो कृष्णा की सेंचुरी थी जो टेंपल था उसके पीछे जो कोर्टयार्ड था आंगन जैसा वहाँ पर क्या हो रहा था सो द फुटबॉल गेम आंसर इज द फुटबॉल गेम हैड बिगन इन द कोर्ट यार्ड बिसाइड द सेंचुरी ऑफ कृष्णा वहाँ पर फुटबॉल गेम स्टार्ट हो गया था एंड द प्लेयर्स वर प्लेइंग ओके विगरसली यस थर्ड इज डिस्क्राइब द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल यहाँ पर आपको ईस्टर्न साइड टेम्पल का जो ईस्टर्न पूर्वी हिस्सा है उसे डिस्क्राइब करना है सो द आंसर इज द ईस्टर्न फाइट ऑफ द टेम्पल वॉज अमेजिंग द रिवर रैन थ्रू देअर

स्काई का विजन था और वुमेन जो एनक्लोज एरिया था वहाँ वुमेन बाथिंग कर रहती थी और उनके जो पत्थरों से जो कपड़ों को धोते समय जो पीटने की आवाज़ थी वो सारी जो शिल वॉइसेस है ये सब आ रही थी तो इट इज़ अबाउट द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल फोर्थ इज व्हाट वर द वुमेन ऑफ नामोदगिरी नाम्बोदेरी हाउस डूइंग जो नामोदेरी वुमेन थी उन्हें वो क्या कर रही थी सो द वुमेन ऑफ नाम्बोदेरी

बहुत मुश्किल से ही कोई उनको देख पा रहा था और वो क्या कर रही थी प्रेयर सिंग कर रही थी नाउ नेक्स्ट इज हाउ डिड पीपल इन टेम्पल रिएक्ट वेन द गर्ल रैंग इन द टेम्पल रिएक्टेड बाई गिविंग अ डार्क लुक ठीक है दे स्टार्टेड मर्मरिंग वो मर्मरिंग करने स्टार्ट करने लग गए और गर्ल की तरफ एकदम डार्क लुक दे रहे थे बहुत गुस्से में थे और एक गैदरिंग क्राउड क्या कर रहा था उसका गैदरिंग क्राउड मर्मर उसका पीछा कर रहा था परस्यू कर रहा था ठीक है ना कि इस तरीके से वो पूरा एटमोस्फेयर हो गया था वैन द गर्ल रंग द बैल नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ डिट दीपल एट होम रियक्ट बिकॉज शी हैड रंग द बैल इन द टेम्पल जो घर के लोग हैं वो कैसा रिएक्ट किए जब उसने मंदिर की बैल बजा चुकी थी क्योंकि वह ओके सो आंसर इज At home, warnings of the great grandmother's terrible wrath were becoming real. Her favorite tiny papadums were not served at dinner. The papadums were specially ordered for her every holiday and served regularly at every meal. But after ringing the bell, this was the reaction that she did not get, and there was a साइलेंस ओके एंड द साइलेंस वॉज लाउडर देन द वॉइस ओके और बिल्कुल सबके चेहरे में क्या था एकदम डीप साइलेंस था कोई बात नहीं कर रहा था उससे पापड़म भी सर्व नहीं किया गया तो ये आप पूरा रिएक्शन था उसकी फैमिली का ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके रेस्ट एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग